I am here to share the schedule of recall of polling stations in Kurunkume and Karadadi districts. The Election Commission of India has approved for recall of 18 polling stations in these two districts. The Commission has appointed 27/4/2019 Saturday is the date and has fixed the hour. I repeat, it has fixed the hour from 6 a.m. to 2 p.m. for fresh poll in the respect of 18 polling stations. The breakup is like this: 18 Palin ST, 18 Palin ST. There are 5 polling stations in 18 Palin ST. First, 18 4 Sangram polling station, 18-21 Joru polling station, 18-23 Cholo polling station, 18-37 Restaring polling station, 18-38 Rakso polling stations. Ye 5 polling stations hai jo ST Palin ST Assembly Constituency mein hoga. Ek hai Sangram, dusra Joru, tisra Cholo, chota Restaring और पांचवा राक्षो. 19 न्योपिन में 3 पोलिंग स्टेशंस है जहां पे रिपोलिंग होगा. 1923 गिम्बा, 2012 कोरेहापा, 2018 जारा. देयर आर 3 पोलिंग स्टेशंस अंडर न्योपिन. आई हैव रॉन्गली इंक्लूडेड द ताली वन आल्सो. 19 न्योपिन में देयर आर 3 पोलिंग स्टेशंस, 1923 चेकी, 1925 पार्टिंग, 1929 कांबांग. 19 न्योपिन में 3 पोलिंग स्टेशंस में रिपोल होगा: चेकी, पार्टिंग, कांबांग. और 20 ताली एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 है. इसमें है 20/6 गिम्बा, 20/12 कोरेहापा, 20/18 जारा. एंड अंडर 21 कोलोरियांग एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी देयर आर 6 पोलिंग स्टेशंस वेयर रिपोल विल टेक प्लेस. 21 कोलोरियांग एसटी, फर्स्ट इज 21-23 दामिन, 21-24 Taba, 21-27 Langbang, 21-28 Nampe, 21-30 Nikoriang, 21-34 Pani. In Palin Assembly Constituency, in 25 Amsuk Pinja, 25 Amsuk Pinja jo Palin Assembly Constituency mein, there will be repolling only for Assembly Constituency. सिक्योरिटी अरेंजमेंट आपसे मैंने पिछले बार भी शेयर किया था. अभी 5 कंपनी ऑलरेडी देयर है, वहाँ पे है. और सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एसपी मॉनिटर करेगा. एसपी आपका कोलोरियांग में रहेगा, संग्राम में, और ये पालिन में भी रहेगा. और हम लोग ये कोशिश कर रहा है कि ताली जो गिम्बा साइड में भी एक सीनियर ऑफिसर, एक एसपी जाएगा, और सब में मजिस्ट्रेट जाएगा. जो ई रोल में है, आपका जो इपिक रोल, आजकल इपिक रोल है, जो रोल में अगर नाम है तो वो कास्ट कर सकता है. उसमें एक तो है, अगर आप किसी को कोई कंप्लेन है, पोलिंग एजेंट बोलेगा कि ये ही इज़ अंडर एज, देन उसका एक डिक्लेरेशन होता है, हम अंडर एज नहीं है. डिक्लेरेशन करके 2 रुपया का फाइन, 2 रुपया का एक जमानत होता है, फी सबमिट करके देन ही कैन कास्ट हिज वोट. बाद में केस उसको रजिस्टर होता है, उसमें बाद में दिखा जाएगा. हाँ, ये सोशल मीडिया में ज़रूर हमने भी देखा है. तो ये रिपोर्ट दामिंग पोलिंग स्टेशंस का है बताया, लेकिन हम लोग ने उसको सेपरेट इंक्वायरी नहीं किया है. लेकिन दामिन में आपका रिपोल होने जा रहा है. फोटो वायरल हो रही है जिसमें बामंग तागो इज नॉट ए गवर्नमेंट, मतलब बॉडी नहीं है, फिर भी हेलीकॉप्टर में आपकी ईवीएम्स के साथ एक आदमी जाता है, वो भी
टोटली आप लोग बायस की बात हो रही है। नहीं देखिए, ये हम लोग का कोशिश था कि जितना भी पोलिंग स्टेशंस का जो पोलिंग टीम्स और जो पोलिंग मटेरियल्स है, जो ईवीएम्स है, सभी को कोलोरियांग में पहुंचाया जाए। तो अकॉर्डिंगली हमने एक हेलीकॉप्टर जो हम लोग मंगाया था कि बुरी दामिन और आपका ये पटिंग जो है पोलिंग स्टेशंस को सबको लेकर कोलोरियांग में पहुंचाने के लिए हमारा स्ट्रिक्ट ऑर्डर था। तो हमको बाद में पता चला है कि एक टीम हेलीकॉप्टर यहाँ पे नाहरलगन में उतर गया है। तो हम लोग पता चलने के साथ साथ ही आपका डीसी कैपिटल हिमांशु गुप्ता जो आईएएस है और जौरव बेड़ा सर जो है हमारा यूपीआर का डीसी है प्लस एसपी को हम लोग रश किया है और उसको पूरा जितना भी पोलिंग मटेरियल्स था हम लोग कस्टडी में लिया है और लेकर उसको हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रूम है जो हमारा यूपीआर का स्ट्रॉन्ग रूम है सीधा ये कौन सा जगह बैंकट हॉल में डायरेक्ट वहाँ पर हम लोग फुल सिक्योरिटी में वहाँ पर रखा था और वहाँ पे 24/7 सीसीटीवी भी है और वहाँ पे इनर कॉर्डन है, आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। जो भी कुछ अगर ऑन द ग्राउंड में अगर एनीवन फोन टू बी क्रिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम और विशेट द वोटिंग प्रोसीजर इनसाइड द पोलिंग बूथ, ही विल बी डायरेक्टली टेकन इनटू कस्टडी। उसको सीधा पकड़ेगा, जो कार्रवाई करना है उसको